जब हम वास्तव में विशाल समुद्री जहाजों के बारे में सोचते हैं, तो हम में से कई शायद मन को बर्बाद लग्जरी आरएमएस टाइटैनिक कहते हैं। इसके विशाल आकार का संदर्भ नाम में ही है, लेकिन उस जहाज ने एक सदी पहले अपनी एकमात्र यात्रा पर रवाना हुए और साक्षात्कार के वर्षों में कुछ सचमुच टाइटैनिक जहाजों ने दुनिया के महासागरों को पार कर लिया है। वास्तव में टाइटैनिक आधुनिक दिन के सबसे आम क्रूज जहाजों द्वारा भी बौना है और वे जहाज आज के जहाजों की तुलना में छोटे दिखते हैं। अब तक के 10 सबसे बड़े जहाजों का निर्माण। एक जहाज के आकार को विशिष्टताओं के एक विशिष्ट सेट का उपयोग करके मापा जाता है। बेशक इनमें आमतौर पर लंबाई और चौड़ाई शामिल होती है, जिसे अक्सर बीम के रूप में संदर्भित किया जाता है, लेकिन इसे टन भार के रूप में भी ध्यान में रखा जाता है, जिसे कई अलग अलग तरीकों से मापा जा सकता है और यह हमेशा जहाज के वास्तविक वजन का माप नहीं होता है। तुलना के अनुसार शक्तिशाली टाइटैनिक ने 882 फीट लंबा, 92 फीट चौड़ा, 46,328 टन। प्रभावशाली लेकिन हमारी सूची में पहले और सबसे छोटे जहाज एमएस वेले ब्राजील के विनिर्देशों के करीब भी नहीं। ब्राजील की फर्म वेले के स्वामित्व वाला यह जहाज दुनिया का सबसे बड़ा बल्क कैरियर है। पोत पर निर्माण 2011 में पूरा हुआ था और इसे ब्राजील से एशिया में लौह अयस्क के परिवहन के लिए डिजाइन किया गया था। 3 गोल्डन गेट पुलों के निर्माण के लिए एक समय में पर्याप्त स्टील ढोने में सक्षम एमएस वेल 1188 फीट लंबी है और इसकी चौड़ाई या बीम 213 फीट है, जिसकी सकल टन भार रेटिंग या जीआरटी एक आश्चर्यजनक 198,980 टन है, जो कि जीआरटी के 4 गुना से अधिक है। घूंघट अभी भी सेवा में है, अटलांटिक की लहरों के साथ एक भव्य आकृति को काट रहा है, लेकिन इसका मार्ग अत्यधिक रणनीतिक है। चीनी समुद्री कानूनों के कारण यह चीनी बंदरगाहों में प्रवेश करने में असमर्थ है, क्योंकि यह बहुत भारी है। फिलीपींस और मलेशिया में वितरण बंदरगाह अपने कार्गो को चीन के भीतर गंतव्यों तक पहुंचने की अनुमति देते हैं। जब इसने पहली बार 1975 में सेवा में प्रवेश किया, तो जर्माना दुनिया के सबसे बड़े समुद्र में जाने वाले जहाजों में से एक था। दुनिया भर के मार्गों के साथ एक तेल टैंकर जामाडा ने 2008 में सेवानिवृत्त होने से पहले 32 साल तक दुनिया के महासागरों को बहाया। यह वर्तमान में पूरी तरह से एक भंडारण टैंकर के रूप में उपयोग में है, लेकिन अपनी 3 दशकों की सेवा के दौरान इसने दुनिया भर के बंदरगाहों को कच्चे तेल की आपूर्ति की। जर्माडा के कुछ विनिर्देश अब रिकॉर्ड की बात नहीं है, लेकिन विशाल जहाज की लंबाई 1225 फीट है और यह 3800 टन की भारी मात्रा में कार्गो ले जाने में सक्षम था। 16 समुद्री मील की इसकी शीर्ष गति काफी प्रभावशाली थी जब इसने पहली बार पाल स्थापित किया, जिससे यह न केवल 1970 के दशक के मध्य में दुनिया के सबसे बड़े जहाजों में से एक बन गया, बल्कि सबसे शक्तिशाली में से एक भी बन गया। हो सकता है कि आज इसका एक लज्जाजनक उपयोग हो, लेकिन अपने वफादार सेवा रिकॉर्ड और अविश्वसनीय विशिष्टताओं के साथ जमा को अभी भी समुद्र को पार करने वाले सबसे प्रभावशाली टैंकरों में से एक के रूप में याद किया जाता है। बेशक जितना शक्तिशाली था जमाटो क्लास पोत 70 के दशक में दुनिया के महासागरों को नेविगेट करने वाला एकमात्र विशाल तेल टैंकर नहीं था। ग्लोबटेक टोक्यो सुपर टैंकर ने पहली बार 1973 के फरवरी में रवाना किया और लगातार 13 वर्षों तक दुनिया भर में तेल वितरित किया। इसकी 1243 फुट की लंबाई 4 फुटबॉल मैदानों से अधिक लंबी है और 203 फुट बीम ने इसे देखने के लिए एक दृश्य बना दिया है, जैसा कि इसकी विशिष्ट काले और लाल रंग योजना ने किया था। लुप्टिक टोक्यो 16 से 17 समुद्री मील की गति से भी आराम से क्रूज कर सकता है। विशेष रूप से प्रभावशाली 2,38,232 टन की सकल टन भार रेटिंग टाइटैनिक और डेड वेट नेज से लगभग 5 गुना या ड्रामाटा वर्ग की तुलना में 1,00,000 टन से अधिक 4,84,000 टन की क्षमता। ग्लोबटेक टोक्यो को 2003 में खत्म कर दिया गया था, लेकिन जिस समय इसने पहली बार पानी को छुआ, इसने दुनिया के सबसे बड़े सुपर टैंकर का खिताब अपने नाम किया। इसकी सहयोगी जहाज ग्लोबटेक लंदन, जो 1973 में रवाना हुई थी, की लंबाई और बीम के विनिर्देश समान थे, लेकिन आश्चर्यजनक रूप से यह क्षमता रेटिंग के साथ थोड़ा अधिक भार धारण कर सकता है, जो टोक्यो से एक सम्मानजनक 276 टन से अधिक है।
शिपबिल्डर टैंकर इंटरनेशनल LLC द्वारा निर्मित सुपर टैंकरों का TI वर्ग तकनीकी रूप से विशाल आकार के मामले में दुनिया का सबसे लंबा या सबसे बड़ा जहाज नहीं हो सकता है, लेकिन जब सकल टन भार की बात आती है तो वे सर्वोच्च शासन करते हैं। वर्तमान में दुनिया भर में विभिन्न प्रकार की सेवा में 4 है, T-अफ्रीका, T-एशिया, T-यूरोप और T-ओशिनिया। हालांकि 2 का उपयोग वर्तमान में मूर्त स्टोरेज जहाजों के रूप में किया जा रहा है। उनका 234.006 टन का विशाल GRT वर्तमान में सक्रिय जहाजों में सबसे ऊपर है, और इसके शीर्ष पर वे अब तक बनाए गए सबसे सौंदर्यपूर्ण रूप से मनभावन तेल टैंकरों में से हैं। टी वर्ग 16 से 18 तक की नॉट टॉप स्पीड अपनी कमाई क्षमता को अधिकतम करने की दिशा में एक लंबा रास्ता तय करती है, लेकिन इसके आँखों के पॉपिंग आकार का मतलब यह भी है कि कुछ जल मार्ग हैं जिन्हें यह आसानी से नेविगेट नहीं कर सकता है। उदाहरण के लिए पनामा नहर सीमा से बाहर है क्योंकि जहाज अपने हाल ही में बनाए गए तालों के माध्यम से फिट होने के लिए बहुत चौड़ा है, और जब पूरी तरह से लोड हो जाता है तो स्वेज नहर भी एक नो गो है। लेकिन जहाज उच्च तकनीक सुविधाओं और समझदार दोहरी हल डिजाइन के अपने धन के लिए भी उल्लेखनीय है, जो एक छेद के उल्लंघन की स्थिति में एक भयावह तेल रिसाव की संभावना को कम करता है। टी वर्ग 1243 फीट की लंबाई और 223 फीट की बीम के साथ चेक इन करता है।